राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान, नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश के दिग्गज नेता नामांकन भरेंगे। मंत्री शांति धारीवाल, सुभाष गर्ग, सालिम मोहम्मद, जायदा खान, डॉक्टर रघु शर्मा, राजकुमार रेणवा, अजीत सिंह मेहता समेत दिग्गजों का नामांकन आज है। रैली और नामांकन सभाओं के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज नामांकन भरने जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये दिग्गज नेता मंत्री शांति धारीवाल, राजकुमार रेणवा, अजीत सिंह मेहता और कई और नाम जो है आज नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि कल देर रात भी लिस्ट जारी होती रही। जो नाम रह गए थे, जो टिकट्स रह गई थी, उन पर भी फाइनल मुहर लगनी थी और उसके बाद आज नामांकन की अंतिम तिथि है। प्रक्रिया 11 बजे से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश के और जो दिग्गज नेता हैं वो आज नामांकन दाखिल करेंगे। सालिम मोहम्मद, सुभाष गर्ग, जायदा खान, डॉक्टर रघु शर्मा, राजकुमार रेणवा, अजीत सिंह मेहता समेत दिग्गजों का नामांकन भी आज है। पूरे तरीके से अब घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि आमने सामने की टक्कर है। सभी सीट सामने आ चुकी है, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरएलपी भी देर रात तक और टिकट फाइनल कर प्रत्याशी घोषित करती रही। अब सब कुछ सामने है, आमने सामने मुकाबला होगा, कौन किस सीट से लड़ रहा है। इसके अलावा जो निर्दलीय है, जिनको टिकट्स नहीं मिली, वो भी ताल ठोकते नजर आएंगे। कुछ विभागीय उम्मीदवार भी नजर आएंगे और किसी एक प्रत्याशी ने 4-4, 5-5 भी नामांकन दाखिल किए हैं, ताकि कोई गफलत हो तो दूसरा नामांकन पत्र तैयार रहे। तो फिलहाल पूरे प्रदेश भर में किस तरीके की तैयारी चल रही है, आज 11 बजे किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। भरतपुर का रुख कर लेते हैं, भरतपुर में क्या तस्वीर है। रवि कटारा से होगी हमारे साथ, सुबह से बने हुए हैं। रवि, अभी की जानकारी दीजिएगा, क्योंकि महज 1 घंटे का वक्त रह गया है जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम जो दिग्गज है ताल ठोकते नजर आएंगे, अपना दमखम भी दिखाएंगे, शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब जनता के सामने दिखाया जाता है कि कितने लोग उनके साथ है, जब नामांकन प्रक्रिया में भी उनके साथ नजर आएंगे। आप जानकारी दीजिएगा पूरी। देखिए, आज आखिरी दिन है नामांकन का और जो संभावित जो उम्मीदवार थे वो क्लियर हो चुके हैं लगभग। और कांग्रेस और जो भाजपा की ओर से जो कल जो देर रात को लिस्ट भी जारी हो गई थी, तो ऐसे में आज भरतपुर जिले की अगर बात की जाए तो कई दिग्गज ऐसे हैं जो आज नामांकन दाखिल करेंगे। भरतपुर की अगर बात की जाए तो जो मंत्री हैं लोकदल से, जो विधायक थे, उनको एक बार फिर से गठबंधन में मौका मिला है और कांग्रेस और लोकदल से जो गठबंधन हुआ उसके साथ एक बड़ी रैली के साथ कुमेर गेट से वो निकलेंगे और जो कुमेर गेट से उनकी जो रैली है वो निकलते हैं भरतपुर के जो है कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां वो एक अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ बताया जा रहा है पर्यटन मंत्री जो विश्वेंद्र सिंह है उस वक्त मौजूद रहेंगे। उसके अलावा भरतपुर के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं विजय बंसल, वो भी यहां आज नामांकन दाखिल करेंगे। वो अपने घर से एक रैली के जुलूस के तौर पर शहर के मानसिंह सर्किल होते हुए भरतपुर के कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे गिरधारी तिवाड़ी, जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपना नामांकन पत्र आज यहां भरतपुर दाखिल करने आएंगे। इसके अलावा जो नगर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं बाजीब अली, वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और कामा की अगर बात की जाए तो कामा में कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं जायदा खान, जो लंबा उनका विरोध हुआ, उनके टिकट को होल्ड पर रखा गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जायदा खान को सबसे पहले ये बताया माना जा रहा था कि सबसे जो मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस की जायदा खान है, लेकिन सबसे बाद में उनका टिकट फाइनल हुआ। एक बड़ी बात ये रही भरतपुर के लिए, क्योंकि उनका विरोध दिल्ली में हुआ, उनके समर्थक भी उनके पक्ष में गए, विरोधी भी गए, तो ऐसे में उनका कल देर रात्रि को टिकट फाइनल कर दिया है। वो भी आज नामांकन करेंगी और भाजपा की जो प्रत्याशी है नौकसम चौधरी, वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और इसके अलावा जो लोकतांत्रिक पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जो चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है उसकी पार्टी के साथ कई जो है नदवी में जो है विजय चौधरी लखनपुर, वो भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जी ठीक है, और भी अपडेट आपसे लेंगे। जयपुर का रुख कर लेते हैं, सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। विनोद, वही 1 घंटे का वक्त रह गया महज, तैयारियां कर रखी होगी प्रत्याशी ने, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया के तहत पहुंचना है, शक्ति प्रदर्शन भी करना है। अभी आपके पास क्या जानकारी है और किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? जी देखिए, अगर अपन जयपुर की 19 सीटों की बात करें तो तमाम वो नाम जो कल देर रात फाइनल हुए हैं वो सब आज अपने इष्ट देवता के ढोक लगा रहे हैं और कुछ नामांकन भरने के लिए रैलियों के रूप में रवाना भी हो चुके हैं। मुहूर्त माना जा रहा है 12:15 बजे का। देखिए, 12:15 बजे बाद
जयपुर के जितने भी विधानसभा सीटों के प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं वो आरओ के सामने पेश होंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो 12 बजे से 3 बजे के जो 3 घंटे हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे पूरे प्रदेश में ही, जिससे करेंगे मुख्यमंत्री भी 12 बजे बाद सभा के बाद नामांकन भरेंगे। इसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में 3 घंटे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और 10 बजे का समय हो चुका है, 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बड़ी बात यह है चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी का भी नाम अंत में डिक्लेयर हुआ है, जो सचिन पायलट खेमे के बड़े वफादार माने जाते हैं वो नामांकन भरेंगे। इसके अलावा अपन देखें किशन पोल से चंद्रमोहन भटवाड़ा, आदर्श नगर से रवि नैयर, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा और झोटवाड़ा से अभिषेक, तो ये वो नाम हैं जो आज नामांकन पत्र भरेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो बागी हैं उनके नाम भी चौंकाने वाले रहेंगे। देखिए 11 बजे से और 3 बजे तक नामांकन की आखिरी तारीख आज है और आखिरी 4 घंटे रहेंगे। इसमें कई नाम ऐसे आएंगे जो चुपचाप नामांकन भरने आएंगे और जब नाम सामने आएगा तो बड़ा गतिरोध भी पैदा हो सकता है। तो ऐसे में आज वो दिन है चौंकाने वाला दिन, नामों के हिसाब से भी और नामांकन के हिसाब से भी 4 घंटे अगले बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा, 4 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन तैयारियां किस तरीके की गई है प्रशासन की तरफ से ये भी देखना होगा। नियम की पालना करनी है, आचार संहिता की पालना करनी है, जो प्रोटोकॉल्स जो इस बार नियम गाइडलाइंस है उसकी पालना भी करनी है। उसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो ये नियम के विरुद्ध होगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर इसकी पालना नहीं होनी होगी, और अगर ऐसा होता है, अगर नियमों की पालना नहीं होती तो किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। वैसे ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे विनोद। जी बिल्कुल, पिछले 6 दिन की अगर अपन प्रक्रिया देखें 19 विधानसभा सीटों पर तो शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन दाखिल किए गए हैं। 4 लोगों के साथ समर्थक रिटर्न अधिकारी के सामने जाएगा, अपना नामांकन दाखिल करेगा, रैली को 100 मीटर दूर रोका जाएगा, वाहन के काफिले में केवल 3 वाहन होंगे, बड़ी रैली निकाली जाए लेकिन 3 वाहन होंगे, इस तरह की जो बैरिकेटिंग लगाए गए, इस तरह की जो पाबंदियां लगाई गई है आचार संहिता के चलते कि आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न हो, नामांकन प्रक्रिया से भरे जाएं, माकूल इंतजाम रहे पुलिस का। तो जयपुर में हम देखेंगे, जिला कलेक्ट्रेट में हम खड़े हैं, वहां पर 2 प्रवेश द्वार हैं, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 2, जहां से प्रत्याशियों को अंदर आमंत्रित किया गया है और अपनी 4 समर्थकों के साथ वो अंदर रिटर्निंग अधिकारी के सामने जा रहे हैं। अभी तक एक भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं आई है पूनम, जिसको लेकर कहा जा सके कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या प्रत्याशी पर भारी जुर्माना या कार्रवाई के लिए किसी को लिखा गया हो। शांतिपूर्ण तरीके से सारी नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई है और आज आखिरी 4 घंटे जो है, माना जा रहा है कि जिस तरह का पुलिस का इंतजाम है, निर्वाचन विभाग की जो टीम है, माकूल इंतजाम है, वो व्यवस्थित है और अगले 4 घंटे भी महत्वपूर्ण रहने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के पालन के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा विनोद, क्योंकि रवि भी लगातार हमारे साथ बने, उनसे भी जान लेते हैं कि प्रशासन की तैयारियां फिलहाल भरतपुर में किस तरीके से हैं। जी रवि, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा जानकारी दीजिएगा किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की तरफ से है। देखिए भरतपुर की अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में, मेरे पास में जो है उपखंड अधिकारी जो है भरतपुर के षष्ठी जन का कार्यालय, जहाँ वो आज जो रिटर्निंग ऑफिसर वो यहाँ बैठती हैं और कई दिग्गज जो हैं वो आज यहाँ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो लगा दी गई है, गेट के अंदर जो है सिर्फ 5 लोगों को एंट्री दी जाएगी, उसके अलावा जो नामांकन है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश होंगे। उसको लेकर जो बैरिकेडिंग है मुख्य द्वार पर कर दी गई है, तमाम जो जो अधिकारी हैं भरतपुर जिले के जो एडिशनल एसपी हैं वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं, और जो अभी थोड़ी देर में जो भरतपुर जिला कलेक्टर हैं लोकबंधु, भरतपुर के जो एसपी हैं मृतुल कचावा, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। जो एक पूरे भरतपुर जिले की एक मीटिंग जो है रखी गई है, इलेक्शन कमीशन के जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं वो भी यहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। उसके बाद एक करीब आधे घंटे के बाद एक मीटिंग शुरू होगी, जिसके बाद जो पूरी चुनाव की रणनीति है वो रणनीति बनाई जाएगी, और थोड़ी देर बाद 11 बजे के करीब जो है प्रत्याशी अपना नामांकन जो है दाखिल करने के लिए भरतपुर के इस भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जो उपखंड अधिकारी का ऑफिस है षष्ठी जैन जहाँ बैठती है उनके समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक है, यानी कि ये प्रक्रिया अब 4 घंटे तक कुछ यूं ही चलने वाली है। प्रशासन की जिम्मेदारी जो है वो आज 4 बजे के बाद थम जाएगी और एक नई जिम्मेदारी के साथ फिर वो आगे निकलेगा, क्योंकि चुनाव में सिर्फ महज कुछ दिन ही बाकी है। विनोद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, आपने जानकारी दी थी कि चंद प्रत्याशी जो है वो रैली के रूप में निकल चुके हैं, कईयों का 12:15 बजे तक का मुहूर्त है, तो कुछ नाम आप बता सकते हैं कि कौन वो प्रत्याशी है?
जी बिल्कुल, जयपुर से अगर अपन देखें चंद्रमोहन बटवाड़ा, आदर्श नगर रवि रैयर, गोपाल शर्मा और जो झोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी हैं, ये अपने इष्ट देवता के ढोक लगाने के बाद 11 बजे रैली के रूप में निकलेंगे। और बताया जा रहा है कि 12:15 बजे से लेकर के और 1:30 बजे के बीच ये सभी जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय है वहाँ अपने अपने कक्ष में आरओ के सामने पेश होंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए जयपुर के चार कोने हैं, चार कोनों से चार रैलियाँ निकलेंगी और चारों रैली जो हैं वो जिला कलेक्ट्रेट पहुँचेंगी। 2 को प्रवेश दिया जाएगा गेट नंबर 4 से, 2 को प्रवेश दिया जाएगा गेट नंबर 2 से। तो देखने वाली बात यह होगी ढोल लंगाड़ों का शोर जो है वो 12 बजे बाद से शुरू हो जाएगा और दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसी बीच बागी और निर्दलीय भी अपनी ताल ठोकेंगे, तो ऐसा भी माहौल देखने को मिल सकता है कि एक बड़े मार्ग पर। ठीक है विनोद, आपसे ये भी जानेंगे कि अगर कोई गफलत होती है फिर क्या प्रोसेस रहता है, और अपना नाम अगर किसी को वापस लेना है क्योंकि बागियों को बिठाया भी जाता है तो किस तरीके से वो प्रोसेस रहेगा, कौन सी तारीख है, ये भी आपसे जानकारी लेंगे। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा।